चैप्टर टू देख रहे हैं, एसिड बेसिस और सॉल्ट्स। ग्यारह के तीन मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये है मिक्सचर सिंथेटिक इंडिकेटर्स का। अगर पीएच फाइंड करना है, पीएच कहां से होता है? एक से लेकर 14 तक होता है ना। कहां आपको एसिडिक होते हैं, कहां बेसिक होते हैं, आपको पता है। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वो एक कॉम्बिनेशन या कह सकते हैं मिक्सचर है सिंथेटिक इंडिकेटर का, जो हम उपयोग करते हैं ताकि पीएच पता कर सके सॉल्यूशंस का। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? सोडियम क्लोराइड लेंगे, वाटर लेंगे, साथ में इसको डालेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में, और ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस एक गैस एक्स है जो रिएक्ट करती है लाइम वाटर से और वाई बनाती है कंपाउंड वाई, जो ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में। आपको एक्स और वाई आइडेंटिफाई करना है, साथ में आपको केमिकल इक्वेशन भी बताने हैं जो रिएक्शन इन्वॉल्व है। इसमें क्या है कि एक ही आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्लोरीन है, तो एक्स बना आपका क्लोरीन, और साथ में क्योंकि इसमें ऑलरेडी दे रखा है चीजें, एक गैस है तो गैस हमने क्लोरीन बताई। अब ये बनाता है CaOCl2, ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर, वाई आपका ब्लीचिंग पाउडर है। नेम द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा एंड यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कौन सा कंपाउंड जो बेकिंग सोडा से बनाया जाता है और उसको पानी में जो हार्डनेस होती है उसको कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका केमिकल फॉर्मूला भी लिखना है और ये भी बताना है कि जब ये रिक्रिस्टलाइज करते हैं उसके एक्वस सॉल्यूशन से तो क्या होता है। तो पहले का आंसर ये है कि जो सोडियम कार्बोनेट है ये बेकिंग सोडा से बनाया जाता है और यही यूज किया जाता है ताकि हार्डनेस पानी का कम किया जा सके, रिमूव किया जा सके। केमिकल फॉर्मूला है इसका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्या होता है जब इसको रिक्रिस्टलाइज किया जाता है इसके एक्वस सॉल्यूशन से, तो ये वॉशिंग सोडा में तब्दील हो जाता है Na2CO3.10H2O। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल भी देने हैं आपको। जब भी एक एसिड और एक बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो एक सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। तो ये जो सॉल्ट बना यानी कि एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज होकर एक सॉल्ट बना देते हैं, यानी कि इनकी इसकी इसकी प्रॉपर्टी चली गई है ना, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे KOH को HNO3 से करिए, HNO3 इसमें आपका एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपका एसिड है। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये आपके बेसिस है, जब ये कंबाइन होते हैं तो KNO3 और Na2SO4 बन रहा है, ये दोनों सॉल्ट है, साथ में वाटर लिबरेट होता है, यानी कि इन दोनों का न्यूट्रलाइजेशन हो गया और ये बन गए। व्हाट इज टूथ एनामल केमिकली? आपका जो दांत है उसके एनामल क्या होते हैं केमिकली बताइएगा, और कब ये घिसना या इनका क्रोजन शुरू हो जाता है? क्या होता है जब फूड पार्टिकल, खाने के जो पार्टिकल है वो आपके मुंह में या दांतों में रह जाते हैं, और व्हाई डू डॉक्टर क्यों सजेस्ट करते हैं कि टूथ पाउडर या टूथपेस्ट आप यूज करें ताकि आपका दांत का जो घिसना है या उसका डीके है या खत्म होना जो है वो आपका रुक जाए? पहली चीज तो ये समझिए कि आपका जो एनामल है मोस्टली कैल्शियम कॉन्टेंट है उसमें, ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, और क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारी एसिडिक चीज़ें होती हैं, और जैसी एसिड की चीज़ आएगी तो कैल्शियम आपका करोड़ होना शुरू हो जाता है, घिसना शुरू हो जाता है। तो ये करोडिंग शुरू हो जाती है आपके एसिड फॉर्मेशन जो माउथ में हो रहा है, यानी कि जो खाने के साथ जो एसिड बन गया, या पेट से भी कभी कभी एसिड मुँह में आता है। जो फूड पार्टिकल आपके या खाने के जो पदार्थ है आपके मुँह में रह गए वो एसिड बनाते हैं, और वो अल्टीमेटली आपका टूथ देखे या दांतों का जो खत्म होना है उसको कहते हैं, वहाँ उसके लिए जिम्मेदार होता है। टूथपेस्ट और टूथ पाउडर ये बेसिक होते हैं, क्योंकि एसिड आपका एसिड घातक है आपके दांतों के लिए, तो टूथपेस्ट और टूथ पाउडर आपके बेसिक होते हैं, ये न्यूट्रलाइज करते हैं आपके एसिड जो भी आपके दांत में मुंह में बचा हुआ है या बना हुआ है उसके न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे आपका टूथ डीके आपका बचता है। तो जो भी आपको लौंग उसमें मिलता है, उसमें बबूल मिलता है, या बहुत सारी चीज़ें जैसे और
अलग तरीके के टूथपेस्ट देख लीजिए, अलग अलग चीज़ें बताते हैं उसमें, तो सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर आपने सुना होगा आपके आपके टूथपेस्ट में क्या सॉल्ट है, तो कई चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये लौंग वगैरह तो फ्लेवर हो सकता है या थोड़ा सा और चीज़ें बढ़ जाती हैं इससे, ठीक होते हैं दांत इसमें कैविटी वगैरह हो तो, लेकिन सेंसेशन हो तो सेंसोडाइन जैसे है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दांत के ऊपर जो टूथपेस्ट लगाते हैं उसका मेन काम ये है कि वो एसिड बेसिक है, बस वो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, मेन काम ये है। बाकी चीज़ें उसमें जितनी घटा बढ़ा सके वो कंपनी का काम है, आपका यूज़ करने का तरीका है। प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली क्या होता है, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट यूजेस बताइए आप। पहली चीज़ समझ लीजिए कि POP प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ये कहाँ से बनता है, जिप्सम को लेते हैं इसमें CaSO4.2H2, इसको 373 केल्विन में हीट किया जाता है, उसके बाद CaSO4.5H2 यानी कि यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसी को हम कह रहे हैं। ये चौक जैसे बोर्ड पे जो हमारे टीचर्स लिखते हैं चौक की तरह, चौक इससे बनता है, बहुत सारे कास्टिंग और मोल्डिंग इसी से होती है, कई तरह के आकार मूर्तियां इससे बनती है। व्हाट इज बेकिंग सोडा केमिकली कॉल्ड, बेकिंग सोडा को केमिकली हम क्या बोलते हैं, इसका रिएक्शन बताना है जो इस प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होगा और आपके इसको यूजेस भी बताने हैं। तो पहली चीज तो ये समझिए कि यह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको एंटासिड की तरह यूज किया जाता है, यानी कि अगर पेट में डाइजेशन इनडाइजेशन के कारण एसिड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड का काम करता है। अब बनता कैसे है, ये अमोनिया लिया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और थोड़ा सा ब्राइन सोल्यूशन यानी कि NaCl है, इससे NaHCO3 बना, NH4Cl बना। अब ये NaCO3 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ मिलकर आपका NaHCO3 बनाता है, तो ये दोनों ही जगह NaHCO3 का फॉर्मेशन हो रहा है। व्हाट इज एल्कली, एल्कली क्या है, इसका एग्जांपल देना है। एल्कली जो सोल्यूबल बेसिस है, ऐसे बेसिस जो सोल्यूबल है, मतलब मिक्स हो जाते हैं, उनको हम एल्कली कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एल्कली है, ये बेस का एक नाम है, बेसिस ही होते हैं वो, उनका नाम है जो सोल्यूबल होते हैं। वाई डू HCl HNO3, ये जो आपके एसिड्स हैं ये एसिड करेक्टर दिखाते हैं एक सोल्यूशन में, लेकिन जो सॉल्यूशन है इनके कंपाउंड जैसे लाइक अल्कोहल ले लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए, वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। देखिए HCl, अगर मैं HCl का एग्जांपल लूँ तो H+ और Cl- ये फटाफट बना देता है जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन में जाता है, लेकिन जो अल्कोहल है, ग्लूकोज है, ये एसिडिक कैरेक्टर इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि ये आयोनाइज नहीं होते हैं जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन में आप डालेंगे, तो क्योंकि आयोनाइज नहीं हो रहे तो वो एसिडिक कैरेक्टर अपने नहीं दिखाते। कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल और ग्लूकोज, ये हाइड्रोजन में होता है इसमें, लेकिन इसको आप एसिड में नहीं लेके आते, आपको एक्टिविटी करके दिखानी है ताकि आप ये प्रूव कर सकें। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ पर एक बीकर लीजिए, एम वगैरह लिख लीजिएगा, एम लिख लीजिएगा, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, तो एम लिखिएगा। उसके बाद आप जो प्रोसीजर है वो इस तरीके से होगा, एक बीकर लेंगे 250 ml का, और इसमें दो नेल आप यहाँ पर देखिए, एक ये नेल है, दूसरा ये नेल है, ये इसको फिक्स किया एक कॉर्क के साथ, ये कॉर्क हो गया आपका। अब कनेक्ट करेंगे इस नेल को दो टर्मिनल, जो 6 वोल्ट बैटरी ले लीजिए, 6 वोल्ट बैटरी आपका, ये 6 वोल्ट बैटरी है, इससे आपने कनेक्ट कर लिया। अब कुछ पानी डालेंगे जिसमें इथेनॉल होगा, राइट, और उसके बाद आप स्विच को ऑन कर देंगे। तो पानी और एथेनॉल यहां पर है, ये एक्सपेरिमेंट फिर से हम करेंगे ग्लूकोज के साथ, यही एक्सपेरिमेंट ग्लूकोज के साथ करेंगे। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगा इसका, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा और नीडल जो एमीटर की है जो करंट नापती है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ग्लूकोस और इथेनॉल, क्योंकि है तो इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन अगर आप HCl की बात करें तो HCl एक्वस में जाते ही वो H+ और Cl- बन जाएगा, यानी कि आयन से बन जाएगा, जहां आयन मिल गए वहां इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो दोनों है इथेनॉल और आपका ग्लूकोज, ये काम नहीं कर पाते एक्वा सॉल्यूशन में, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इसका कंक्लूजन कुछ इस तरीके से होगा कि एक्सपेरिमेंट हमको बताता है कि ग्लूकोज और इथेनॉल ये आयोनाइज नहीं होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, जिस तरीके से ये HCl हो जाता है, इसके कारण ये आपको H+ आयन नहीं दे पाते हैं। H+ आयन नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है, इसीलिए
ग्लूकोज और इथेनॉल को आप एसिड के रूप में कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे। पीएच किसी सैंपल का जो वेजिटेबल सूप है उसका 6.5 है। ये जो सूप है किस तरीके से आपको टेस्ट होने वाला है? पहली चीज तो ये थोड़ा सा वीकली एसिडिक हो गया, इसका मतलब ये है कि ये सॉर टेस्ट होगा इसका, खट्टा, हल्का खट्टा टेस्ट होगा इसका। विच बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, बेसिस की कौन सी श्रेणी ऐसी है जो एल्कली कहलाती है? आपको एग्जाम्पल भी देना है एल्कलीज का। जो एल्कलीज होते हैं वो बेसिस होते हैं जो सोल्यूबल है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है रिएक्शन का, जिसमें सोडियम कार्बोनेट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इंडिकेट करना है फिजिकल स्टेट जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स का। तो Na2CO3 हो गया ये आपका सोडियम कार्बोनेट, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम क्लोराइड बनाता है यानी कि आपका सॉल्ट बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, इसमें सारा फिजिकल स्टेट भी बता दिया, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये गैस है, ये लिक्विड है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, आपको ये फिजिकल स्टेट भी बताने हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक हमने यहाँ पर लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, इन दोनों कंबाइंड हुए आपके NaCl और वाटर बना। NaOH आपका एक्वा स्टेट में है, HCl एक्वा स्टेट में है, NaCl भी एक्वा स्टेट में है, और H2O आपका लिक्विड स्टेट में है। व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर स्लेक लाइन एट 313 केल्विन? क्या होता है जब क्लोरीन को आप स्लेक लाइन के ऊपर पास करते हैं 313 केल्विन में? आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है रिएक्शन जो भी हो रहा है, और साथ में दो यूजेस भी बताने हैं जो प्रोडक्ट आपका निकल रहा है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यही आपका स्लेक लाइम है, इसमें क्लोरीन पास किए 313 केल्विन पे, तो ये बन गया CaOCl2। ओके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं इसको, ये वाटर बना साथ में, ब्लीचिंग पाउडर है ये आपका ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर जो है बहुत ज्यादा इसका यूज है इंडस्ट्री में, पेपर या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज किया जाता है, और जो हम पानी पीते हैं उसके प्यूरिफिकेशन में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग है एज अ डिसइंफेक्टेंट। व्हाट वुड बी द कलर ऑफ रेड लिटमस इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है, इसमें रेड लिटमस का क्या कलर होने वाला है? जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में। कौन सी गैस इवॉल्व होती है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से? तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इसमें, CO2, इसके हम फॉर्मूला भी देख चुके हैं। कर्ड इज नॉट केप्ट इन कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स, व्हाई? आप देखेंगे कि कॉपर और ब्रास में खाना रखना बड़ा उचित समझा जाता है, लेकिन कर्ड को नहीं रखा जाता है उसमें। क्यों? कर्ड या फिर कोई जो भी खट्टे सब्सटेंसेस होते हैं उनमें एसिड होता है, ये ब्रास और कॉपर से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं जो शरीर के लिए घातक होते हैं, तो इसीलिए इनको कॉपर या ब्रास यूटेंसिल्स में या बर्तनों में नहीं रखा जाता है। नेम दी गैस यूजुअली लिबरेटेड व्हेन डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटल। मेटल के साथ डाइल्यूट एसिड रिएक्ट होगा तो कौन सी गैस निकलेगी? व्हाट हैपेंस व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर दिस गैस? इस गैस के पास एक बर्निंग कैंडल, आप जलती हुई कैंडल ले आएंगे तो होगा क्या? एक तो यह है कि हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हम एसिड की बात कर रहे हैं, एसिड में मोस्टली हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, और ये पप साउंड से बर्न होगी। यदि अगर जैसे आप कैंडल ले गए ना गैस के पास, इस जो जो गैस आ रही है तो पप साउंड से ये बर्न होगी। व्हाट इफेक्ट डज एन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इन अ सॉल्यूशन हैव ऑन द pH ऑफ सॉल्यूशन? अगर मान लीजिए एक सॉल्यूशन है उसमें कोई pH वैल्यू है, मान लीजिए H+ बढ़ जाता है, H+ आयन बढ़ जाता है, हाइड्रोजन के जो प्लस आयन है वो बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा? जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना pH कम हो जाएगा इस सोल्यूशन का। विच वन ऑफ दीज हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन? किसमें ज्यादा है? वन मोल आपका HCl है, वन मोल आपका CH3COH है। देखिए वन मोल HCl जो है उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा H+ आयन का, ये एसिडिक है, ये वीक एसिड एसिड है। Why does 1 m HCl solution have a higher concentration of H+ ion than this 1 m of CH3COH? ये इसका रीजन भी है, इस सवाल का रीजन भी यहाँ आ रहा है। ये इसलिए कि जो एक मोल होता है उसमें ज्यादा ज्यादा H+ ion होते हैं, क्योंकि ये HCl पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाता है एक्वा सोल्यूशन में। जैसे मैंने आपसे कहा कि CH3COH वीक एसिड है,
तो ये पूरी तरीके से एच प्लस सारे सारे के सारे नहीं बन पाते, और एच सी एल जो होता है वो पूरी की पूरी तरीके से एच प्लस और सी एल माइनस में विभक्त हो जाएगा, इसलिए एच प्लस आयन का पूरा कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा आपको। विच गैस इज जनरली लिबरेटेड व्हेन अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉरी रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। तो एक्टिव मेटल के साथ जब, जैसे अगर आप एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी भी एक्टिव मेटल जैसे जेड जिंक के साथ कंबाइन करेंगे तो जिंक क्लोराइड तो बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है जब भी एक्टिव मेटल आपके किसी एसिड जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराया जाता है। तो अब व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस इन सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में लिटमस कलर क्या होगा? रेड लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप इसको रखेंगे तो। What is meant by water of crystallization of a substance? किसी भी substance में पानी, crystallization का पानी क्या होता है? Water of crystallization क्या होता है? आपको एक activity बतानी है ताकि आप बता सके, दिखा सके कि जो blue, नीले color का जो copper sulfate crystal है उसमें water होता है crystallization का। तो हम क्या, कहाँ से शुरुआत करते हैं? हमारा aim क्या है? जो water molecule, पहली चीज तो ये पहले वाले का सवाल का जवाब दे दें, जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, लिंक होते हैं एक किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस से, उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो एम हमारा कुछ इस तरीके का है कि हम बताना चाहते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा हमें? एक तो ब्लू, ये विट्रियॉल कहते हैं इसको, CuSO4.5H2O, बॉइलिंग ट्यूब, बर्नर, कॉर्क, डिलीवरी ट्यूब, टेस्ट ट्यूब और क्लैम्प स्टैंड, वो सारी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं। ये आपका बर्निंग ट्यूब है, ये वाटर वेपर यहाँ देख रहे हैं, ये क्रिस्टल ऑफ ब्लू विट्रियॉल है, ये बर्नर है, ये कॉर्क है, ये होल्डर है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ग्राम जैसे 2 ग्राम CuSO4.5H2O लेंगे बर्निंग ट्यूब में, जिस जो क्लैम्प स्टैंड में फिटेड है, कलर देखेंगे इसको। अब कॉर्क लगा देंगे और जो डिलीवरी ट्यूब है जो बेंट है राइट, 2 राइट एंगल इस तरीके से, ये टेस्ट ट्यूब में डिप होगा इस तरीके से। अब हीट करेंगे क्रिस्टल बॉइलिंग ट्यूब में। अब जो वाटर वेपर निकलेंगे उसको हम कंडेंस करा लेंगे इस टेस्ट ट्यूब में। अब इसको कूल करेंगे क्रिस्टल को, और उसके बाद हम कुछ ड्रॉप पानी के इसमें डालेंगे। ऑब्जर्वेशन ये होगा कि जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएंगे टेस्ट ट्यूब में, और जो कलर है ब्लू क्रिस्टल का वो व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद अब जैसे ही पानी डालेंगे इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में, वो दोबारा अपना ब्लू कलर ले लेगा। केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, CuSO4.5H2 है, इसको हम हीट करेंगे तो CuSO4 बनेगा जो कि व्हाइट है, और 5H2O बनेगा। तो ब्लू विट्रियोल से ये आपका व्हाइट बनेगा। कंक्लूजन ये है कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उनमें वाटर होता है क्रिस्टलाइजेशन का, जो हीटिंग से लॉस हो जाता है उसका दोबारा आप उसमें मिला सकते। एक कंपाउंड है जिसको प्रिपेयर किया गया जिप्सम से, उसकी प्रॉपर्टी है हार्डनिंग, हार्ड हो जाता है जब इसको मिक्स किया जाता है प्रॉपर पानी की क्वांटिटी से। आपको कंपाउंड बताना है, केमिकल इक्वेशन बताना है, और इसके यूजेज भी बताने हैं। तो पहला है ये POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से बनाया जाता है जिप्सम से। तो CuSO4.2H2O है, इसको 373 केल्विन पे अगर हम गर्म करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CuSO4.5H2O बनता है, और साथ में वाटर लिबरेट होता है। और जो हमारे कभी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर प्लास्टर लगाते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, और ये आपका प्लास्टरिंग के लिए यूज होता है। बहुत और जगह भी इसका यूज़ है, मूर्ति वगैरह बनाने के काम में आता है, क्योंकि एक बार आपने इसको गीले के बाद मोल्ड कर दिया, आकृति दे दी, तो वो हार्ड हो जाता है फिर। नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन ईच केस। कब कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर लिएगा कॉस्टिक सोडा से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से? तो इससे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। ग्रैनुलेटेड जिंक रिएक्ट करता है कॉस्टिक सोडा से, तो ये आपका जिंक है, ये कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम इसको साथ कंबाइंड होगा यानी कि सोडियम जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाएगा लाइम वाटर से, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है लाइम वाटर, उसके ऊपर हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो CuSO3 बनेगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, सफेद प्रेसिपिटेट होता है, और साथ में पानी निकलता है।
तो ये इम्पोर्टेंट सवाल और बोर्ड के क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर के हमने देखे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।